अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीनएस न्यूज़ इंडिया में आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ख़ास ख़बरें। आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन MLA याकूतपुरा आली जनाब पाशा कादरी साहब ने मदीना बिल्डिंग चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गरीबों पर चालानात करने पर गुस्से का इजहार किया और AIMIM पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर आली जनाब सुहेल कादरी साहब ने भी गैर ज़रूरी चालानात की सख्ती के साथ मजम्मत की। लीडर हो तो ऐसा। आइए देखते हैं सुहेल कादरी साहब की जुबान। परेशान है लोग, डिलीट कर दो आप वो डिलीट कर दो, डिलीट करो बेटा, ये क्या बात है भाई? अरे कोई बात है, अरे 500 रुपए नहीं कमाता, 1000 रुपए का चालान कर दिया आप, कौन बोले 200 का 1000 बोल के मत करो, यहाँ मत करो, धुआं धुआं लेके जाओ, लोग परेशान है। हाँ मास्क फॉलो कर रहे, फोन नहीं करते, फोन नहीं करते, सब ही करते। अरे कभी इमरजेंसी में सांस रुकी तो निकालते हैं, रुकते अब करो भाई, ठीक है आसिफ आसिफ आराम से, नहीं भाई जरा देखो बड़ा। मलकपेट पुलिस हॉस्पिटल से एक खातून है लापता। आइए तफसीलात की तरफ कि सुबह 8 बजे शीरिन नामी खातून पहुंची मलकपेट पुलिस हॉस्पिटल और ठीक 10 मिनट बाद ही शीरिन का फ़ोन बंद बता रहा था। ये बात शीरिन की ननंद हामिदा बेगम ने बताई। शीरिन के रिश्तेदारों ने काफ़ी तलाश किया मगर शीरिन नहीं मिली। आखिरकार रिश्तेदारों ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। मुकामी MLA आली जनाब अहमद बराला साहब इतला मिलते ही मलकपेट पहुँचे और हॉस्पिटल पहुँच हालात का जायज़ा लिया। आइए देखते हैं मोहम्मद की ये खास रिपोर्ट। 6:30 बजे बच्ची स्कैनिंग के लिए आए यहाँ पे पुलिस दवाखाने को, चिट्ठियों के साथ कार्डों के साथ ले लेके आ गए। उन्होंने बच्ची का नाम क्या है? करीमा है, करीमा है। इनके हस्बैंड का नाम मोहम्मद निजामुद्दीन है। अब हम लोग 6:30 को निकले, बच्ची तो बच्ची बोली जल्दी फूफू स्कैनिंग करा लेके मैं आ जाती हूँ, बल्कि हमारी बड़ी भव उन दोनों देवरानी जेठानी आ गए, छुमहरगन दो बच्चे छोटे, मैं बच्चों को लेके आऊँ, तुम लोग इससे पहले भी दोनों आके गए थे उन लोगों, अभी भी जाके 1 घंटे में आ जाते, बोला ठीक है, बोल के मैं डायरेक्ट सटल ऑटो में देके भेजी मैं बच्ची को, बच्चियों को। उसके बाद 10 बज रही, फ़ोन करी मैं, अब बंद करने का टाइम है, बच्ची अब तक नहीं आई, बोल के मेरे बड़े बच्चे को फ़ोन कर, बोरे बच्चे को बोले तो बड़ा बच्चा बोलो फ़ोन करे तो हमारा बड़ा बच्चा शीरिन ही नहीं है, बोल के हमारी बड़ी भाव मैं आ जाते तो ठीक है, बोल के पीछे गेट में बैठे हुए उन्होंने अंदर ही थे उन्होंने अभी ना पीछे की गेट से बैठे बैठे देख देख के पूरे वाटा ढूंढ रहे, वो ढूंढ रहे, आवाज़ दे रही, मिल रहे थे उन्होंने करीमा 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 बोल के ढूंढ रही, बच्ची का फ़ोन भी बंद बता रहा, बच्ची की आवाज़ नहीं, पुकारा नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा ढूंढ के फ़ोन करे उन्होंने, फोन करते पूरे भाग के आ गए हमारे घरों से पूरे, और जब से बच्ची गायब है। एडिशनल कमिश्नर DS चौहान IPS ने आज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा मीडिया वालों को कहीं भी रोका नहीं जाएगा। जब से लॉकडाउन का ठीक से अमल करना शुरू हुआ है केसों में गिरावट आने लगी, इसके बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ जबकि 99% जो आवाम है हमारी बहुत अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग छोटे छोटे बहाने बना के रोड पे आ रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें, कोई अगर जो इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, एग्जम्प्टेड है, जिनका गाड़ियों का अलाउड है, उनको छोड़ के बाकी कोई भी रोड पे ना आए। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन बेवजह छोटी छोटी बातों के लिए ना आए। अब जैसे खाने पीने की दुकानें हैं, ये है सब के लिए टाइम फिक्स किया गया है 6 बजे से लेकर 10 बजे, 10 बजे के बाद सबको चले जाना चाहिए। ऑटो एक्सेप्ट पेशेंट के अलावा नहीं फिरना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो मैं फिर से एक बार सब लोगों को गुजारिश करता हूँ कि इस पे लॉकडाउन में पूरे तरीके से पूरे दिल से
हम लोगों का सहयोग करें, ताउन करें, और जिस तरीके से पूरा महकमा पूरा सरकार काम कर रहा है तो बहुत जल्दी हैदराबाद से कोरोना को दूर करने में इससे बहुत मदद। एक्चुअली कल जोमेटो और स्विगी वालों को रुकाया गया था सर, जबकि ऑलरेडी जियो में वो लोग को परमिट था, तो फिर देखिए ऐसा है कुछ एक जगह पे ऐसा हो गया होगा। देखिए जोमेटो और स्विगी को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप अगर जोमेटो स्विगी की ड्यूटी पे जा रहे हैं, आपके पास टी शर्ट है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो टी शर्ट कोई फुल टाइम पास नहीं है कि आपके पास ऑर्डर है या नहीं, आप घूमते रहेंगे। आप बात उसमें फ़र्क समझिए, आप जोमेटो स्विगी के हैं तो जोमेटो स्विगी की अगर ड्यूटी पे हैं, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, आप ऑर्डर लेके जा रहे हैं या ऑर्डर दे के आ रहे हैं, तो कोई नहीं रुकेगा। लेकिन कभी कभी बाज वक्त में, मैं जोमेटो स्विगी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाज वक्त में ऐसा होता है कि ऑफिस के लिए पास है, अब आप उस पास को लेकर पूरे शहर में फिरते रहें तो वो तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जिस मकसद से पास दिया गया है उस मकसद की थोड़ी सी इज्जत रखिए। जी सर, हम लोग कल देखे हैं कि कुछ जोमेटो स्विगी वालों के पास पार्सल था, गोशामाइल सर्कल पे जो है ना, रवि पेट्रोल पंप के पास ही जो है, जोमेटो वालों को जो है ना रुका दिया। अगर किसी जोमेटो या स्विगी के आदमी को पार्सल के बावजूद रोक दिया गया है तो वो हो सकता है कि हमारी तरफ से चूक हुई हो, और इस तरीके के इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं ऑलरेडी और फिर से एक बार कर दिए जाएंगे कि जिसके पास पार्सल है या जो डिलीवरी करने जा रहा है या जो डिलीवरी करने आ रहा है उसको नहीं रोका जाए। जी हाँ, इसके अलावा दो दिन से प्रेस वालों को भी बार बार रोका जा रहा है। नहीं, प्रेस वालों को हम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं हर चेक पोस्ट से हम बोल रहे हैं कि प्रेस वालों को नहीं रोकना है, डॉक्टर्स को नहीं रोकना है, डॉक्टर्स को नहीं रोकना है, पेशेंट को नहीं रोकना है, डिलीवरी को नहीं रोकना है। कि अगर ऐसा कोई, देखिए एक अगर एकाध कोई किसी जगह पे ऐसी कोई हुई है तो आप हमारी नोटिस में लेके आए। हम आज मॉर्निंग सर, मेरे को खुद को रेन बाजार पीएस एडिशनल इंस्पेक्टर सर, मैं अभी एक बार सेट पे इस बात की ताकीद कर दूंगा। ओके सर, जोमेटो स्विगी प्रेस डॉक्टर्स जो भी एग्जाम फिट करते हैं उनको हम लोग भी आपके साथ ही काम। सिकंदराबाद 138 डिवीजन सुभाष नगर जीएचएमसी जोनल कमिश्नर और कमिश्नर मंगतायरू और कॉरपोरेटर हेमालता सुरेश रेड्डी ने मुस्लिम खबरस्तान और शमशान घाट और क्रिश्चियन के खबरस्तान का जायज़ा लिया। कमिश्नर ममता ने खबरस्तान की सफाई और तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया और कोविड से मरने वाले हिंदू भाई जो हैं उनके क्रियाकर्म के लिए 8,000 से ज़्यादा रकम ना लें। देखिए खास रिपोर्ट। करीमनगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रॉक गार्डन का इफ्तिताह मिनिस्टर गंगुला कमलाकर के हाथों अमल में आया। रॉक गार्डन में 20,000 पौधे लगाए गए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर कमला हसन रेड्डी के अलावा मेयर सुनील रेड्डी भी मौजूद थे। कमलाकर ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को आने वाले दिनों में तफरीगाह में तब्दील किया जाएगा, इससे करीमनगर की खूबसूरती में इजाफा होगा, आवाम में खुशी की लहर। करीमनगर से नुमाइंदा फैयाज की ये रिपोर्ट। ప్రజలు వారు కాంక్రీట్ చేయడం, మా యొక్క భూములు అసైన్ ల్యాండ్స్ మమ్మల్ని బేదించి గీతా ల్యాండర్ గారు మంత్రిగా ఉండి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో అసైన్ ల్యాండ్స్ ఉన్నా కూడా కొనడం అని కాంక్రీట్ చేయడం వారు ముఖ్యమంత్రి గారు రాజ్యాంగబద్ధమైన ఎన్నికైన ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు ఉద్యమం నడిచినప్పటి నుండి మా సార్ గారు ముందుండి ఉద్యమంలో ముందున్నారు. ఆ ముందుండి మంచితనంతోనే మమ్మల్ని గుర్తించి గౌరవ మాజీ మంత్రులు మంత్రివర్యులు ఈటా రాజేందర్ గారు మా వేణవేంక మండల ఎంపీగా మమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు. మేము టిఆర్ఎస్ పార్టీతోనే టిఆర్ఎస్ కండవతోనే మేము ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మేము ప్రజల అభిప్రాయాలు చూరగొని వాళ్ళ ఓటు హక్కు ద్వారా మేము మండల ఎంపీగా కొనసాగాము.
आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने राशन कार्ड रखने वालों को सरकारी राशन शॉप राशन लेने के बजाय वॉलंटियर्स के जरिए घर घर राशन पहुंचाने का इंतजाम किया है। बाज मुकामात पर इस पर अमल आवारी हो रही है और बाज मुकामात पर राशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से आवाम है परेशान, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। जैसा कि ईस्ट गोदावरी रॉयल पालियम कुत्ता कॉलोनी में अभी तक आवाम राशन से महरूम, सुनिए आवाम की जुबानी, नुमाइंदा अंसार की ये रिपोर्ट। మాకు రేషన్ లేదండి, నెల 18వ తారీఖున మేము జోస్న గారు ఫోన్ చేస్తాం, ఫోన్ చేస్తే ఆవిడ నేను సెలవులో ఉన్నానండి అని చెప్పిందండి ఆవిడ. సరే అనేసి మేము సచివాలయం కాడికి వచ్చామండి, సచివాలయం కాడ నెంబర్ ఆ నెంబర్ తీసుకున్నామండి. ఆవిడ చేస్తే ఆవిడ ఒకసారి ఎత్తింది, ఎత్తి కంగారు పడకండి అమ్మ మీకు ఇంకా టైం ఉంది కదా, టైంలో ఇస్తాము అనేసి అందండి, అయినా ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ మేము మళ్ళీ రాత్రి కూడా చేసామండి, జోస్న గారికి చేసాం, ఎవరికి చేసినా మాకు ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ సత్యరెడ్డి గారికి చేసామండి, సత్యరెడ్డి గారు టైం అయిపోయింది అమ్మ, మరి మీరు 4 రోజుల క్రితం చేస్తుంటామైతే నేను వీలైనంత మట్టుకి చూద్దనమ్మా అని చెప్పారండి సత్యరెడ్డి గారు. మేము ఇప్పుడు మళ్ళీ నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా చెప్పామండి, ఆయన కూడా ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదండి. వచ్చే అవకాశాలు ఏమీ లేవు, తింటూ పడతాం అయిపోయింది అనేసి అంటున్నారండి. ఇది వరకు మాకు 10వ తారీఖు కల్లా ఎలాగో కొత్త కాలనీ నుంచి ఊళ్ళోకి వెళ్ళి ఎలాగో లాగం తెచ్చుకుని ఇవ్వడం అండి. అలాంటిది మీరు ఈ వ్యాన్లు పెట్టి ఈ సచివాలయాల కాడి జాయిలను పెట్టి వాలంటీర్ని మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి. మీరు ఎక్కడో దుక్కుని మాకు కొత్త కాలనీలో ఒక రేషన్ పెడితే తెచ్చుకుంటాం. ఈ వ్యాన్ వాళ్ళు ఉన్నారంటే అండి, ఇష్టమైన వాళ్ళకేమో సిప్పిచ్చి వెనకాల నుంచి ఇస్తాం, ఇష్టం లేని వాళ్ళకేమో మీరు మళ్ళీ రండి మాకు భోజనం టైం అయిపోతుంది, వ్యాన్ వెళ్ళిపోతుంది అనేసి అంటున్నారు. ఇది 4-3 సార్లు తిరుగుతున్నారు కానీ వ్యాన్ వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఆగుతలేదండి. వాళ్ళు అసలు ఏంటంటే వాళ్ళకే జాబ్ ఇచ్చారు అన్న అహంకారం సచివాలయం కాడికి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది సిప్పిస్తే ఆ సచివాలయం కాడ సిప్పు పట్టుకెళ్ళటండి, సీక్రెట్ గా ఇస్తున్నారటండి. ఆ సీక్రెట్ గా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నది అలా ఎలా కుదురుతండి? ఇప్పుడు అందరూ ఒకటే కదండి, అందు గురించి దానికి పరిష్కారం ఏంటో ఒకసారి మీరు. ఇసుకే సాత్ పిఎన్ఎస్ న్యూస్ ఇండియా యహీ పర్ ఇఖ్తితామ్ కో పహుంచతా హై. सैयद अखील हाशमी को दीजिएगा इजाज़त, अपना ही नहीं अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। आदाब, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।